अकाउंटिंग क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए हेलो एंड वेलकम टू द अकाउंटिंग क्लास शेयर्स को दो तरीके से इशू किया जा सकता है एक होता है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश और एक होता है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश का मतलब ये होता है कि शेयर्स को इशू किया गया और बदले में सब्सक्राइबर से अमाउंट को लिया गया है वो अमाउंट यहाँ पर कैश का मतलब सिर्फ कैश से नहीं है बल्कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के थ्रू भी अमाउंट कंपनी अगर लेती है तो उसे भी हम कैश की ही कैटेगरी में रखेंगे दूसरा होता है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इसका मतलब यह है कि शेयर्स कंपनी इशू करती है लेकिन बदले में कैश नहीं लेती है तो बदले में वो एसेट्स को ले सकती है या किसी कंपनी के बिजनेस को परचेज कर सकती है या प्रमोटर्स को इशू करती है जो कि उसकी सर्विस के बदले में होता है या अंडर राइटर्स को इशू कर सकती है जो कि उसके कमीशन के बदले में होता है हम यहाँ पर आज की वीडियो में बात करेंगे इशू ऑफ़ शेयर्स फॉर कैश और इशू ऑफ़ शेयर्स फॉर कैश में चार कंडीशन हो सकती है पहली कंडीशन है इशू ऑफ शेयर्स एट पार एंड अमाउंट पेएबल इन लमसम पार पर शेयर को इशू किया गया है और उसका अमाउंट एक साथ एक बार में मंगा लिया गया है पूरा दूसरी कंडीशन होती है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम एंड अमाउंट पेएबल इन लमसम शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया गया है और एक साथ एक बार में पूरा अमाउंट मंगा लिया गया है तीसरी कंडीशन है इशू ऑफ शेयर्स एट पार एंड अमाउंट पेएबल इन इंस्टॉलमेंट पार पर शेयर को इशू किया गया है और अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में मंगाया गया है चौथी कंडीशन है इशू ऑफ़ शेयर्स एट प्रीमियम एंड अमाउंट पेएबल इन इंस्टॉलमेंट्स प्रीमियम पर शेयर को इशू किया गया है और इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट को मंगा लिया गया है तो यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि इशू ऑफ शेयर्स के अंदर एट पार एट प्रीमियम हो सकता है इशू और अमाउंट को जो कलेक्शन की बात है वो लमसम में हो सकती है या इंस्टॉलमेंट में हो सकती है तो इस तरीके से ये पार प्रीमियम और अमाउंट पेएबल इन लमसम अमाउंट पेएबल इन इंस्टॉलमेंट्स के बेस पर ये चार कंडीशन बनती है हम इन चारों कंडीशन को चार पार्ट में यानी चार वीडियो में बता देंगे तो आज की वीडियो में हम पहला पार्ट देखते हैं जो कि इशू ऑफ शेयर्स एट पार एंड अमाउंट पेएबल इन लमसम है इशू ऑफ शेयर्स एट पार का मतलब ये होता है कि शेयर्स को फेस वैल्यू पर ही इशू किया गया है यानी जितना फेस वैल्यू है शेयर्स का उतना ही अमाउंट मांगा गया है मान लेते हैं एक शेयर्स का फेस वैल्यू सौ रुपये है तो कंपनी उसे सौ रुपये में ही इशू कर रही है यानी पब्लिक से वो सौ रुपया ही मांग रही है उससे ज़्यादा नहीं मांग रही है अमाउंट पेएबल इन लमसम का मतलब है कि ये सौ रुपया कंपनी पब्लिक से एक बार में पूरा मंगा ले रही है ये सौ रुपये को अलग अलग किस्तों में बांट करके नहीं मंगा रही है अब देख लेते हैं कि जब कंपनी शेयर्स को पार पर इशू करती है और उसका अमाउंट लमसम में मंगाती है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है तो सबसे पहले जर्नल एंट्री करते हैं हम लोग शेयर अप्लीकेशन मनी को रिसीव करने के लिए एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ पर चूँकि एक बार में ही पूरा पैसा आ जा रहा है जिसे हम लोग लमसम कह रहे हैं जब लमसम का केस होता है तो शेयर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ इस्तेमाल होता है ये दोनों वर्ड तो सबसे पहले एंट्री होगी अमाउंट को कलेक्ट करने की और जो अमाउंट कलेक्ट किया जाएगा जो अमाउंट रिसीव किया जाएगा पब्लिक से वो बैंक अकाउंट में डेबिट किया जाएगा और शेयर अप्लीकेशन एंड अलाटमेंट में क्रेडिट किया जाएगा जब अमाउंट कलेक्ट हो जाएगा तो फिर इस अमाउंट को कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा तो दूसरी एंट्री पास होगी शेयर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पर देखिए ये अप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अमाउंट जो आपको मिला था पहली एंट्री में आपने इसे क्रेडिट किया था और दूसरी एंट्री में इसे आप ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट में तो हो जाएगा शेयर अपलीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट तो पहली एंट्री में आपने शेयर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को जो क्रेडिट किया है और दूसरी एंट्री में आपने इसी अमाउंट को यहाँ पर डेबिट किया है तो अगर आप शेयर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बनाएंगे तो इसका कोई भी बैलेंस नहीं आएगा क्योंकि दोनों साइड का टोटल बराबर आ जाएगा यानी ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा आपके पास जो बैलेंस आएगा वो बैंक का आएगा और शेयर कैपिटल का, शेयर का तो आएगा तो बैंक को आप बैलेंस शीट में शो कर देंगे अंडर करेंट एसेट्स और शेयर कैपिटल को आप शेयर होल्डर्स फंड में शो कर देते हैं जो कि कंपनी की बैलेंस शीट में इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ के हेड में आता है एक क्वेश्चन को देख लेते हैं एक छोटा सा जिसमें एंट्री को पास करेंगे और अमाउंट को लिखेंगे सिल्वर कंपनी लिमिटेड इशू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज टेन ईच टू पब्लिक सिल्वर कंपनी ने पच्चीस हज़ार इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं पब्लिक में दस रुपये वाले ऑल अमाउंट्स हैव बिन रिसिव्ड इन लमसम पूरा अमाउंट लमसम में आ गया पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द कंपनी कंपनी की बुक में आपको जर्नल एंट्री पास करनी है तो वो दो एंट्री पास करेंगे पहले आप अमाउंट को कलेक्ट करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अप्लीकेशन एंड अलाटमेंट अकाउंट ये कंडीशन लमसम वाली है इसलिए अप्लीकेशन एंड अलाटमेंट लिखा गया है एंट्री में पच्चीस हज़ार इक्वटी शेयर्स हैं दस रुपये वाले तो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इंटू टेन हो जाएगा दो लाख पचास हज़ार दो लाख पचास हज़ार रुपये आपको मिल गया शेयर को इशू करने पर अब ये जो शेयर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट है इसको आप कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे दूसरी एंट्री पास करेंगे शेयर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट सेम अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर जो ऊपर आपने रिसीव किया है दो लाख पचास हज़ार तो इस तरीके से आपका ये दोनों एंट्री पास हो जाएगी उम्मीद करते हैं आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल रहेगी दूसरी और कंडीशंस के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम एंड अमाउंट पेएबल इन लमसम थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें इस तरह की और भी वीडियो में बनाता रहता हूँ आप अपना बहुत ख्याल रखें मिलते हैं अगली वीडियो में